हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से जियो लेयर्स का कोई भी एपिसोड नहीं आया है और आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिखाया है जियो लेयर की सीरीज पर। तो यदि आप लोगों ने सीरीज कंप्लीट नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको ये सीरीज देखने मिल जाएगी। जियो लेयर के 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे आज ये 5वां एपिसोड उसमें इंक्लूड होने वाला है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टडी आईक्यू का। मैंने एक वीडियो ओपन किया हुआ है, तो इस वीडियो में जिस तरीके का जो मैप एनिमेशन किया गया है, सेम इसी टाइप का जो मैप एनिमेशन है हम बनाने की कोशिश करेंगे जियो लेयर में। तो चलिए पहले हम वीडियो को देख लेते हैं कि किस टाइप का मैप एनिमेशन है, देन हम उसको क्रिएट करेंगे जियो लेयर में। तो पहले हम वीडियो को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस टाइप का आपको मैप एनिमेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा कैमरा जो है पेन हो रहा है और यहाँ पे हमको इस टाइप का जो एनिमेशन देखने मिल रहा है। थोड़ा सा टिल्ट है जो स्क्रीन है पूरा, आपको यहाँ पे टिल्ट देखने मिल रही है। थोड़ा 3D व्यू यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे अब जैसे कि देख रहे हैं आप, जैसे जूम इन वगैरह हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे वेव्स दिखाई दे रही है आपको। तो इस तरीके की वेव्स वगैरह कैसे क्रिएट करना, सारी चीजें बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए डायरेक्टली हम ओपन करते हैं आफ्टर इफेक्ट को। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एक कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। 10 सेकंड के एनिमेशन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 सेकंड की जो कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट कर ली है, यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब हमको जो है जियो लेयर भी ओपन करना, तो यहाँ पे मैंने जियो लेयर का जो एक्सटेंशन है ये ऑन कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो है एक मैप कॉम क्रिएट करेंगे जियो लेयर में। तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, इसको सेव कर देंगे पहले, क्योंकि हमको जियो लेयर यदि यूज करना है तो फाइल को यहाँ पे सेव करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है 30 फ्रेम रेट के साथ में जो है ये कंपोजिशन क्रिएट करने वाले हैं, मैप कॉम्प जो है, और 30 सेकंड का है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे 10 सेकंड कर देते हैं। 10 सेकंड का ही एनिमेशन चाहिए हमको, इससे ज्यादा का नहीं चाहिए। देन हम यहाँ पे वर्ल्ड मैप कॉम्प ही रहने देते हैं यहाँ पे और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है कि स्टाइल वगैरह क्या चूज करनी है। तो यहाँ पे यदि आप चाहें तो स्टाइल वगैरह अलग अलग चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका जो कलर है वो इस टाइप से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको इस टाइप का मैप कॉम्प देखने मिल रहा है। बट यदि हम वीडियो में देखेंगे तो वीडियो में जो यूज किया गया है, तो यहाँ पे सैटेलाइट मैप यूज किया गया है। तो आप देख रहे हैं ना, जो ये सैटेलाइट मैप है, तो सैटेलाइट मैप चूज करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए सैटेलाइट मैप आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। देन इसको यहाँ पे क्रिएट बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो मैप कॉम्प है यहाँ पे क्रिएट हो। तो ये देखें हमारा जो सैटेलाइट मैप है ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमको यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टेक्स्ट हमको यदि नहीं चाहिए है तो हम इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे सेटिंग में देखें यहाँ पे ए जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो ये सारे टेक्स्ट वगैरह जो है गायब हो जाएंगे। देन इसके बाद में आपको क्या करना है कि हम यहाँ पे सीन देख लेते हैं कि सीन हमारा जो है किस टाइप से दिखाई देगा। तो पाकिस्तान और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, तो दो सीन आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दो कंटेंट आपको जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो डाउनलोड आपको अलग से कहीं नहीं करना है, आपको यहीं पे सर्च करना है और डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाकिस्तान, तो देखिए पाकिस्तान जैसे सर्च किया तो यहाँ पे आ गया। तो इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, हमारे यहाँ पे कंटेंट जो है आ चुका है, पाकिस्तान के जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। देन यहाँ पे हम सऊदी अरेबिया भी सर्च कर लेंगे, तो ये देखिए सऊदी अरेबिया यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए दोनों प्रॉपर्टीज हमारी आ चुकी है, तो अब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखें ये पाकिस्तान रहा और ये सऊदी अरेबिया रहा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, कितने सीन में हमको दिखाना है वो यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको सारी चीजें। तो देखिए अब यहाँ पे जो है हमारा ये सऊदी अरेबिया है और ये पाकिस्तान है। तो इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए सिंपल तरीका है कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, देन इसके बाद में ड्रॉ बटन पे क्लिक करेंगे और ड्रॉ फीचर पे आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आ चुका है, सेम इसी तरीके से हम सऊदी अरेबिया को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉ फीचर में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ चुका है। तो देखिए दोनों चीजें हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमको जो कलर है इसका, कलर यहाँ पे देखना है कि कलर हमको क्या रखना है। तो अभी के लिए फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कलर किया गया है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर किया गया है। तो इन दोनों का जो कलर है वो हम देख लेते हैं। और यदि आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे का जो व्यू है वो भी हमको इसके शेप के नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे करेंगे हम, वो भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या है इसका जो कलर है ग्रीन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान वाली जो लेयर है यहाँ पे आप देखेंगे ये लेयर है, इसका कलर जो हम ग्रीन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हमने चूज कर लिया है। अब देन यहाँ पे सऊदी अरेबिया वाले कलर जो चूज करेंगे हम, इसको थोड़ा सा पिंक कलर जो वहाँ पे दिया गया था तो उसी टाइप से हम जो है पिंक कलर इसको यहाँ पे चूज कर ले रहे हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे कलर भी चूज कर लिया, बट यहाँ पे एकदम साफ कलर है और वहाँ पे जो है काफी अच्छा कलर आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टाइप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कैसे करना है हमको, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम लेयर चूज करेंगे और यहाँ पे आपको जो ब्लेंडिंग मोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए। तो ये जो ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास में तो F4 आप कीबोर्ड पे प्रेस करें। तो F4 जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, या फिर आप यहाँ पे कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो इनमें से आप ऑप्शन जो भी चाहते हैं वहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो देखिए हम ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे और ब्लेंडिंग मोड पे हमको यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि
मैं हार्ड लाइट चूज करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे आ चुकी है। और यदि हार्ड लाइट की जगह आप दूसरा यहाँ पे सॉफ्ट लाइट चूज करेंगे तो और भी यहाँ पे सॉफ्ट लाइट हो चुकी है। अब यहाँ पे यदि आप लीनियर लाइट चूज करेंगे तो ये काफी अच्छा व्यू आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसके अलावा यदि आप विविड लाइट चूज करेंगे तो यहाँ पे भी काफी अच्छा। तो ये आपको अलग अलग जो ब्लेंडिंग मोड है ये आपको चूज करना है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस भी ब्लेंडिंग मोड में आपको अच्छा लगता है तो वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए इसको हम अभी लीनियर लाइट कर देते हैं यहाँ पे। देन इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे पाकिस्तान वाला जो लेयर है इसको चूज करेंगे और यहाँ पे भी हम इसको लीनियर लाइट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लीनियर लाइट करने में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम दूसरा चूज करके देखेंगे। तो देखिए सॉफ्ट लाइट में भी यहाँ पे हमको बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया, तो ओवरले करके देखेंगे तो ओवरले में भी सही लग रहा है ये। अब सेम चीज इसको यदि हम ओवरले करके देखें ये कैसा लग रहा है, तो ओवरले में ये भी बेस्ट लग रहा है, तो हम इसको ओवरले ही रहने देते। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये हो चुका है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। ब्लर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसको फाइनलाइज नहीं किया। जैसे हम इसको फाइनलाइज कर देंगे देन इसके बाद में ये पूरा HD क्वालिटी में आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एनिमेशन करना है हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले क्या है कि एनिमेशन यहाँ पे जूम आउट है और धीरे धीरे हल्का सा पेन हो रहा है, फिर जूम इन हो गया है। यदि आप देखें तो यहाँ पे देखिए हल्का सा पेन चल रहा है यहाँ पे, और फिर इसके बाद में यहाँ पे ये सीन जो है जूम इन हो जाता है। तो ये देखिए ये फिर इसके बाद में यहाँ पे जूम इन हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पे वेव्स दिखाई दे रही है। तो सिंपल हम क्या करेंगे इसी टाइप का एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है टिल्ट करना है उस तरीके से, थोड़ा सा 3D व्यू लाने के लिए हमको कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे हम जो है इसको ऐसे टिल्ट कर देंगे, ऊपर की साइड में ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए हमने ऊपर की साइड में इसको ड्रैग कर दिया। तो अब आप देखें यहाँ पे इस टाइप से व्यू आपको देखने मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। तो ये देखिए जूम इन करने के बाद में आपको इस तरीके का जो व्यू है वो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। अब देखिए ऑलमोस्ट सेम व्यू हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे पीछे करता हूँ सीन को, देखिए ये व्यू आपको यहाँ देखने मिल रहा है। अब सेम व्यू जो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने की, इसको देखिए इतना व्यू जो आपको देखने मिल रहा है एंगल, तो सेम व्यू यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे तो वो चीज यहाँ पे देख लेते हैं। तो थोड़ा सा और जूम इन कर लेंगे हम इसमें, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से व्यू आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हम भी इसको थोड़ा सा वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको मूव कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा भी ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमारा जो एनिमेशन की जो है की लगा देनी है हमको। तो की लगाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैप में इस की फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी यहाँ पे की लग जाएगी। आप देखिए नीचे सारे की लग चुकी है यहाँ पे। अब देन इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से आना है आगे। तो 3 सेकंड तक आते हैं हम या फिर 4 सेकंड तक आते हैं, इसको थोड़ा सा हमको यहाँ पे दोबारा से की लगा देनी है और हल्का सा जो है मूवमेंट यहाँ पे हम कर देंगे। जैसे कि हमने इसको हल्का सा मूव कर दिया, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हल्का सा टिल्ट कर दिया इसको हमने, है ना। देन इसके बाद में हम इसको जो है आगे ले जाएंगे और फिर यहाँ पे ला करके जूम इन कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो ये देखिए पाकिस्तान में जूम इन कर दिया हमने। ये देखिए एनिमेशन यहाँ पे इस तरीके से पूरा मूव कर रही है और फिर जूम इन हो गया यहाँ पे। तो इसको हमको क्या करना है कि थोड़ा सा और आगे जो है हम की फ्रेम को ले जाएंगे यहाँ पे, और इस की फ्रेम को जो है हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे यहाँ पे ताकि हमारा जो मूवमेंट है ये स्लो हो, ज्यादा फास्ट नहीं हो, ये वाला मूवमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टली फिर वो जूम इन हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये देखिए फिर पाकिस्तान के ऊपर जूम इन हो गया, फिर यहाँ पे जो वेव वाला इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब वेव वाला इफेक्ट यहाँ पे बनाने के लिए पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको फाइनलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमारा एनिमेशन हम केवल इतनी रखेंगे मैप का, इसके अलावा चेंजेस नहीं करेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फाइनलाइज बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे सारे जो HD इमेजेस हैं वो जो पीछे का हमारा जो बैकग्राउंड है मैप का इमेजेस वो डाउनलोड हो जाएंगे यहाँ पे, और हमारी जो क्वालिटी है अभी मैप की जो ब्लर दिखाई दे रही थी वो एकदम प्रॉपर क्लियर दिखने लग जाएगी आपको यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका मैप की साइज कितनी बड़ी है, मतलब एनिमेशन की साइज कितनी बड़ी। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब आ चुका है। तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, अब यहाँ पे पूरी हाई क्वालिटी के साथ में यहाँ पे इमेजेस जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब प्रॉपर यहाँ पे जूम इन हो रहा है, तो ये देखिए पाकिस्तान का प्रॉपर सारी चीजें, और देखिए यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट है। जैसे आपने देखा होगा इस वीडियो में जैसे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट है ये पाकिस्तान वाला, जैसे कि ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है, तो सेम इसी तरीके से हमारा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए प्रॉपर दिखाई दे रहा है यहाँ सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना, ब्लेंडिंग मोड हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ब्लेंडिंग मोड चेंज करने से आपको जो है जो इस टाइप की जो क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नाम ऐड करना है। तो नाम ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे पाकिस्तान जैसे है तो इसमें क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे हमको टैग वाले फीचर में, यहाँ पे जो लेबल फीचर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आपको क्लिक करना है और ऐड लेबल पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान यहाँ पे ऐड हो चुका है, बट यहाँ पे जो हमारा नाम है वो यहाँ पे व्हाइट कलर में आ रहा है, व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड है और टेक्स्ट जो है ब्लैक कलर से है। तो बट हमको चाहिए है कि सेम हमको चाहिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर से है पूरा बॉक्स है और व्हाइट कलर में टेक्स्ट है, तो ऐसा चाहिए हमको। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल हम यहाँ पे टॉप प्लेस यहाँ पे लिखा हुआ ना सेकेंड नंबर पर, देखिए सेम चीज है प्लेस टॉप प्लेस टॉप यहाँ पे 6 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे देन आपको यहाँ पे स्वैप वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर में यहाँ पे आ चुका है। सेम इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे ड्रॉ फीचर में जाकर के ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये देखें आ चुका हमारा। तो अब यहाँ पे आपको
क्या करना है कि देखिए पहले से ही आपका रहेगा सारी चीजें। अब प्रॉपर आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो एनिमेशन वगैरह आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो देख रहे हैं आगे जो एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है, जैसे जूम इन होकर के जाएगा जो, तो यहाँ पे जो वेव्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ये वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इस टाइप की वेव आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो सिंपल है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक शेप लेना है, पेन टूल लेंगे और यहाँ पे एक हम न्यू शेप क्रिएट करेंगे, हमको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पे, हम केवल यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। और इस शेप में जो है हमको एक इफेक्ट डालना है जिसका नाम है रेडियो वेव। तो देखिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो ये देखिए नीचे रेडियो वेव करके एक जो इफेक्ट आ रहा है, तो ये इफेक्ट हमको यहाँ पे डाल देना। तो देखिए इस टाइप से जो है वेव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, देन हमको जो है इसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले जो ये वेव है तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसका जो एंड विड्थ है, तो एंड विड्थ हमको बढ़ा देना है। तो ये देखिए एंड विड्थ हमने बढ़ा दी है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हमको स्मूथ इन करना है फिर आउट करना, बट यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो देखिए आउट साइड में जो है स्मूथ है, तो हमको आउट साइड कर लेना है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो है स्मूथ आउट यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो देखिए आउट साइड में आपको जो है काफी अच्छा जो है स्मूथ यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। और यहाँ पे इसका जो कलर है हम रेड चूज कर लेंगे, यहाँ पे रेड टाइप का जो आपको एनिमेशन देखने मिल रहा है, थोड़ा सा हम ब्राउनिश चूज कर लेते हैं यहाँ पे, मरून कलर थोड़ा सा हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब इसकी जो एंड विड्थ है वो हमको बढ़ा देनी है। तो देखिए हमने जितना भी चाहिए हम एंड विड्थ उतना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इसकी एंड विड्थ इतनी समथिंग रख दी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो इस टाइप से एनिमेशन जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो आप वेव वगैरह जो है आप यहाँ पे एडजस्ट करते कर सकते हो, जितनी भी आपको चाहिए उतना वेव यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी वगैरह एडजस्ट करनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है, इसको आप कम करोगे ज्यादा करोगे, तो देखो जितनी कम वेव चाहिए आप उसको उतना कम कर सकते हो, जितनी ज्यादा वेव चाहिए आप उतना ज्यादा कर सकते हो। तो ये चीज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब सिंपल यहाँ पे आपका देखोगे कि एनिमेशन यहाँ पे जो है क्रिएट हो चुका है। देखिए इस टाइप से जो एनिमेशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जो आपको वेव की जो यहाँ पे विड्थ वगैरह है, तो आप यहाँ पे एंड विड्थ जो है इसको कम करोगे तो वेव की जो विड्थ है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो स्टार्ट विड्थ जो आप यहाँ पे कम करोगे तो देखो स्टार्ट विड्थ भी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे वेव क्रिएट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हमको जो इसकी पोजीशन है पोजीशन चेंज करने, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑडियो वेव से में, तो यहाँ पे देखोगे प्रोड्यूस पॉइंट जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो पिन है ये पिन को आप जहाँ पे भी क्लिक कर दोगे, जैसे हमको यहाँ पे चाहिए पाकिस्तान के ऊपर चाहिए तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो अब यहाँ पे जो हमारी पिन पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो जिस भी जगह पे आप रखना चाहते हो इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जो पोजीशन वगैरह हमको चेंज करने के लिए सिंपल वही चीज है कि यहाँ पे हमको जो पिन है उसको कहीं पे भी हम रख देंगे तो वहाँ पे उस पोजीशन पे जो उस डायरेक्शन पे आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। बट अभी हमें क्या करना है कि हमको जो ये पोजीशन है यहाँ पे रखना है और इसको टिल्ट भी करना है। बट यदि हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे टिल्ट करेंगे, देखिए हमने इसको 3D लेयर भी कर दिया है, बट यहाँ पे हम इसकी रोटेशन वगैरह यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये रोटेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसको हम नॉर्मल लेयर कर देंगे, 3D लेयर नहीं करेंगे, देन इसको हमको राइट माउस क्लिक करना है, इसके ऊपर हमको प्रीकॉम करना। तो जैसे हम इसको प्रीकॉम करेंगे देन इसके बाद में हम इसके जो है डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस लेयर को जो है 3D कर देंगे। अब यहाँ पे हम जो रोटेशन पे जाएंगे, अब यहाँ पे ओरिएंटेशन वगैरह यदि हम चेंज करेंगे, जैसे देखिए मैं जेड वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, एक्स वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो अब देखिए रोटेट होने लग गया है। तो सिंपल हम इसको जो है यहाँ पे हमारे हिसाब से जितनी भी पोजीशन हमको चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे रख लेते हैं। तो देन अब देखिए यहाँ पे हमने पोजीशन इसकी जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन यहाँ पे इसकी इस तरीके से हमको एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे भी रखना है हमको उस तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमको यहाँ पे रखना था तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, देखिए इस तरीके से तो आप यहाँ पे कर ही सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब देखिए अब ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप ये यूज कर सकते हैं कि सिंपल आपको जो पाकिस्तान की जो लेयर थी इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, तो कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट कर दी। अब जो ये लेयर है इसको यहाँ पे हम ट्रैकमेट कर देंगे इस लेयर के साथ में, तो देखिए अब केवल पाकिस्तान की लेयर के ऊपर ही केवल जो वेव्स हैं आपको ये दिखाई दे रही हैं। तो ये काफी अच्छा एनिमेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस बता दिया मैंने। इस टाइप का एनिमेशन जो है आपको अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर ही केवल एनिमेशन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो मूव कर रहा है, बट यहाँ पे स्केल होने के बाद में जो पोजीशन यहाँ पे कट हो रही है, तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो इसको पेरेंट कर देना किसे वर्ल्ड मैप एंकर पॉइंट से, जो ये वाली लेयर है ना इस लेयर से हमने इसको पेरेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो जूम इन भी होगा तो फिर भी यहाँ पे देखे एनिमेशन ये कंटिन्यू यहाँ पे होता रहेगा। तो इस टाइप का काफी अच्छा एनिमेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। अब आपको जो एंकर पॉइंट है, जैसे यहाँ का एंकर पॉइंट है, यदि आपको इधर से करना है तो यहाँ से आप सिंपल क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे। सिंपल इसको मूव करने के लिए पोजीशन को आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पोजीशन को थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ले आना है। अब देखिए आपका सेम इसी जगह से यहाँ पे जो है एंकर पॉइंट से जहाँ पे आपका पॉइंट डॉटेड है, तो इस जगह से आपका जो है यहाँ पे वेव्स निकलना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा एनिमेशन यहाँ पे हमने जो है क्रिएट कर लिया बहुत ही इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स अभी जो जियो लेयर की सीरीज है अभी हमारी चलती रहेगी, अभी हमारा 5वां एपिसोड है। यदि आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे मैं पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आप जाकर के सारे एपिसोड चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे वीडियोस देखने मिलने वाली है। स्टार्टिंग से लेकर के मैंने आपको शेयर किया है कि स्टार्टिंग जियो लेयर को आपको कैसे आपको यूज करना है, सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड से आप देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें मैंने सिखाई हुई है, किस तरीके से आप स्टार्टिंग से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, कि कैसे आपको यहाँ पे जियो लेयर जो है मैप कॉम वगैरह कैसे क्रिएट करना, वहाँ पे कैसे एनिमेशन वगैरह करेंगे, सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल से कवर की हुई है। तो नीचे मुझे
कमेंट में जरूर बताइएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पे देखते मिलते रहेंगे। तो मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।